बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी भी मिल रही है, जहां पर 60 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग समाप्त नहीं हुई, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन पर रूस ने एक साथ 60 मिसाइलें दागी हैं और रूस के हमले में यूक्रेन में ब्लैक आउट नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के रणनीतिकार का बयान आया है, एक साथ 60 मिसाइलें दागी गई हैं, या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह हो गई। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बड़ा बयान है कि या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। यूक्रेन को कई देशों का समर्थन है, कई देशों की तरफ से जो हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं यूक्रेन को, वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं रहे लेकिन हथियार पहुंचा रहे हैं। लेकिन रूस के अब हमले बढ़ गए हैं, पहले ही यूक्रेन के कई शहर नेस्तनाबूद हो चुके हैं, बिल्डिंगें धराशायी हो गए। यूक्रेन ने कई शहरों पर वापस कब्जा करने का दावा भी किया, लेकिन इस बीच में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। और जो रणनीतिकार हैं पुतिन के, उनका बयान कि या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी, दुनिया में फिर उसमें भारत भी शामिल, तो ये एक पूरे विश्व भर के लिए जो बयान है ये चिंता का बयान है कि रूस का अगला स्टेप क्या, क्या वो देश भी अब नहीं बचेंगे, उन देशों से भी रूस सीधा युद्ध लड़ेगा जिन जो देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। भारत की स्ट्रैटेजी अब तक क्लियर है कि हम शांति के साथ हैं।